Assalamu alaikum. We'll be continuing chapter number 6, Inheritance. Our RT video we will be covering detailed questions. Extensive response question. इसमें भी again we have 5 questions जो हमें cover करने होंगे. सबसे पहला question है, describe the Watson and Crick model of DNA. Watson and Crick ने मिलके जो DNA का model हमें दिया था, वो हमें explain करना है. वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का, वो 1953 में दिया था. उसके हिसाब से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का है. जो डीएनए का हेलिक्स होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है, और क्योंकि इसके अंदर दो चेन होते हैं तो वो एक दूसरे से बुड़े हुए होते हैं. आप इस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ब्लू कलर के चेन्स नजर आते हैं, और ये हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी एक दूसरे से मुड़े हुए हैं. ये जो है कहा जा रहा है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, दो हेलिक्स से बना हुआ होता है, और ये आपस में ट्विस्टेड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं. इसका जो आउटर पार्ट होता है वो अपराइट कहलाता है, अंदर वाला पार्ट रंग कहलाता है. आउटर वाला पार्ट इसका जो होता है वो राइबोस शुगर से बना हुआ होता है, जबकि जो इसका रंग यानी इंटरनल पार्ट होता है अंदर से होता है वो बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेसिस से. और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं जो एडिनाइन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड कर रहा होता है, और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है. तो इसका मतलब ये है कि एडिनाइन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड होता है एंड साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. और ये हमेशा परमानेंटली जो है एडिनाइन हमेशा जो है थायमिन के साथ पेयर बनाएगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर बनाएगा. नेक्स्ट वी हैव इज हाउ डू जीन्स एक्सप्रेस, डिस्क्राइब इन डिटेल. जीन्स अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह शो करते हैं, उसको हमें तरीका जो उसका पूरा प्रोसेस है वो हमें एक्सप्लेन करना है. ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन बनाया जाता है हमारे जिस्म के अंदर. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोगमा. इसके अंदर क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए पहले से मौजूद होता है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है उसको उसकी कॉपी बनाई जाती है. सबसे पहले कॉपी बनाने के बाद दो और आरएनए हमारे पास है, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. वो दोनों क्या करते हैं उसकी कॉपी बनाने के बाद जो है वो तरतीब देते हैं उस पूरे हमारे अमीनो एसिड्स को, एंड देन वो फिर उसकी जो है वो प्रोटीन तैयार करते हैं उसके थ्रू. यानी पहले क्या होता है डीएनए जो होता है उसकी कॉपी बनाई जाती है. डीएनए के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद है उसकी कॉपी मैसेंजर आरएनए या उसको शॉर्ट में एमआरएनए बनाते हैं. इस प्रोसेस को कॉपी बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए जो है जो एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन ले लेता है, तो उसके यूज करते हुए इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए अमीनो एसिड को एक सीक्वेंस देता है. डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन तैयार करता है. तो हमारे डीएनए के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होता है उस हिसाब से हम लोग हमारी बॉडी जो है अमीनो एसिड को सीक्वेंस देती है, और सीक्वेंस देने वाला ट्रांसफर आरएनए होता है. जो सीक्वेंस दे देता है फिर राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए क्या करता है उसको फिर सिंथेसाइज करता है टू फॉर्म प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन तैयार करने इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है. फिर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन. यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन डीएनए से हमें मिला था एमआरएनए के थ्रू उसको ट्रांसलेट करके देता है ताकि हमारी बॉडी में उस हिसाब से चीज़ें हमें बन सके. आफ्टर दैट वी हैव इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था वो क्या है. ग्रिगोर मेंडल बेसिकली एक पादरी था जिसने अपने जो चर्च था बेसिकली वहाँ पे जो उन्होंने पौधे उगाए थे उसमें से जो पी था, पी प्लांट जो है यानी मटर का प्लांट जो है उस पर उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उसने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन अपने पास लिखे थे. ऑल्दो उस जमाने में उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन काफ़ी सालों बाद जब लोगों को इनहेरिटेंस पे जो है थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि डिफरेंट बीमारियाँ जो इनहेरिटेंस की वजह से होती हैं ऑल दैट, तो उसके बाद जाके जो मेंडल्स की जो ऑब्जर्वेशन थी वो काफ़ी हद तक काम आए. तो यानी लॉस जो मेंडल्स ने दिए हुए थे वो इनहेरिटेंस के बेसिक लॉस में कंसिडर किया जा सकता है. उसने बेसिकली 3 लॉस दिए थे हमें, लॉस ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये 3 लॉस थे, उसमें से हमें सिर्फ एक ही लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब है डिवीजन या तोड़ना. तो लॉस ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से ये था, मेंडल ने कहा था कि हमारे जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली पेयर्स के बने हुए होते हैं, उसके अंदर दो एलील या दो से ज्यादा एलील्स मौजूद होते हैं. तो वो जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर यानी मियोसिस का जो प्रोसेस होता है गैमेट फॉर्मेशन का, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर जितने भी जीन्स होते हैं वो सिंगल यूनिट में तोड़ दिए जाते हैं. ये सब जो इस तरह तोड़ दिए जाते हैं ताकि सिर्फ एक ही किस्म का जीन जो है, एक ही किस्म का फैक्टर जो है वो सिर्फ हमें उस जीन के अंदर दिख रहा होता है. तो उसको प्रूव करने के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था.
एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, दो किस्म के प्लांट लिया। एक किस्म के पास प्लांट के पास वो ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट था, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राउंड सीड के एलल्स मौजूद थे, और सेकंड में उसने लिया रिंकल सीडेड प्लांट, यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिंकल सीड के एलल्स मौजूद थे। फिर जब उन्होंने इन दोनों को ब्रीड करवाया साथ में, तो उससे क्या हुआ, जो नेक्स्ट जनरेशन थे उन सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ राउंड सीड प्लांट्स मौजूद आ रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कहा जो राउंड सीड वाला जो एलील है वो डोमिनेंट एलील है, और जबकि रिंकल सीड वाला जो एलील है दैट इज रिसेसिव। तो उन्होंने ये बताया कि जो स्टडी हो रही होती है, ट्रेड्स जो हमें मिल रहे होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, वो डिस्क्रीट फैक्टर्स से बन रहे होते हैं, यानी कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही होती है तो सारे जो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जो हमें लाइक डिफरेंट जो ट्रेड्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सिंगल फैक्टर्स बन जाते हैं। ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि सारे जो फैक्टर्स हैं जीन्स के अंदर वो सेपरेट फैक्टर्स में सेपरेट हो जाते हैं, सब एक एक अलग अलग ट्रेड शो कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस बाय लॉ। ये अगेन मेंडल्स लॉ का ही है, इसमें जो हमें बेसिकली एक्सप्लेन करना है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके अंदर ये है कि इससे पहले बताया गया कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही होती है तो इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है बाय डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली होता है कि जब हम लोग दो डिफरेंट ट्रेड्स ले लेते हैं, डिफरेंट द सेंस के अपोजिट, जिससे पहले वाला सवाल में था कि एक राउंड सीड्स के हमने ट्रेड लिया था और सेकंड में रिंकल सीड्स का हमने ट्रेड लिया था, जब दो अपोजिट ट्रेड्स हम उठा लेते हैं और उनको ब्रीड करवाते हैं तो ऐसे क्रॉसेस को हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया इसके अलावा कि हम लोगों ने जो है यहाँ पे दो सीड के हमने ट्रेड्स ले लिया, एक शेप का ले लिया और एक कलर का ले लिया, यानी कि हमने शेप के अंदर डिफरेंस भी रख रहे हैं हम लोग और सीड के कलर के अंदर भी डिफरेंस रख रहे हैं। तो इसमें उन्होंने मेंडल ने कहा कि सीड शेप का सीड कलर से कोई ताल्लुक नहीं है, सीड शेप जो है वो सिर्फ सीड शेप वाले एलल से ताल्लुक रखेगा और सीड कलर वाले जो एलल्स हैं वो सिर्फ सीड कलर वाले एलल से ताल्लुक रखेगा। तो बेसिकली इसमें ये था जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो आपस में नहीं होता, यानी सीड शेप का सिर्फ सीड शेप से ताल्लुक होगा, सीड कलर का सिर्फ सीड कलर से ताल्लुक होगा। इसे जब हम लोग उनको क्रॉस करवाएंगे तो उनको डिफरेंट अल्फाबेट से भी शो कर रहे होंगे, लाइक उन्होंने जब राउंड शेप एंड रिंकल शेप की बात की तो उन्होंने कैपिटल आर एंड स्मॉल आर यूज किया, जब उन्होंने कलर की बात की लेट्स सपोज उन्होंने येलो कलर चूज किया तो येलो कलर के लिए वाई एंड स्मॉल वाई उन्होंने यूज किया, येलो एंड ग्रीन हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग जो एलल्स की जो एक्सप्रेशन है, यानी कि हम जो लेटर्स यूज करेंगे वो भी हम डिफरेंट यूज करेंगे। तो ये होता है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वर्ड असॉर्टमेंट का मतलब है अरेंजमेंट, यानी जो अरेंजमेंट हो रही होगी डिफरेंट ट्रेड्स की वो ट्रेड के हिसाब से होगी, सीड कलर को हम सीड कलर के साथ ट्रेड में अरेंज करेंगे एंड सीड शेप को सीड शेप के साथ अरेंज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6, एक्सप्लेन द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 1859 में चार्ल्स डार्विन अपने सबसे फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी, जो कि इनकी बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही फेमस थ्योरी है। अब उनके मेन पॉइंट्स ये थे, सबसे पहले था ओवर प्रोडक्शन, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होती है तो उनके ऑफस्प्रिंग की मिकदार भी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, तो उनका एक्सटिंक्शन का खत्म होने का जो रेट है वो बहुत कम होता है। सेकेंड उनका मेन पॉइंट था दैट वॉज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि जिन इलाकों में ऐसी जगह अगर ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, स्पीशीज पाया जा रहा है जहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हों, तो वहाँ के जो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं उनको अपने रिसोर्सेज शेयर करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर एक ही तालाब है और वहाँ पे उसी तालाब के इर्द गिर्द शेर भी रह रहा है और हिरन भी रह रही है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, तो उनको शेयर करना पड़ेगा, या फिर अगर शेर है वो हिरन पे वो अटैक कर लेता है या उसको किल कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि हिरन की जो ऑफस्प्रिंग है या उनकी जो स्पीशीज जो उस वक्त वहाँ जितने नंबर पाए जाती है वो कम होती जाएगी, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी हो रहा होता है। थर्ड ये जो हेरिटेबल वेरिएशंस हैं, माहौल के हिसाब से जो है जो चेंजेस लानी होती है जिस्म के अंदर, वो अगर वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस उनके पास जिंदा रहने के लिए। और नेचुरल सेलेक्शन ये है कि जो सबसे फिटेस्ट होता है, जो सबसे पावरफुल इंडिविजुअल होता है, वही जिंदा रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस के एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन खत्म हो चुका। अल्लाह हाफिज़।